आज जिस कार्यक्रम को हमने संपन्न किया है, एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र जो भारत की विरासत को और भारत के इतिहास को हमारे सम्मुख फिर एक बार तरोताजा करता है और जिन मूल्यों के लिए हम सभी ने बरसों प्रयास किया, ऐसे मूल्यों का रोपण करने के लिए जिस केंद्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा, इस प्रकार के सांस्कृतिक केंद्र का आज उद्घाटन परमादरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं इस मौके पर आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि नागपुर और महाराष्ट्र को इस सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर इस प्रकार की भेंट बाबूजी आपने दी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि रामायण जो कोई काल्पनिक कथा भी नहीं है, जो केवल कोई नाट्य भी नहीं है, तो हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक मूल्य जहां से प्रेरणा पाते हैं वो हमारी रामायण है, जिसने भारत को एक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के रूप में, कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन के रूप में प्रस्थापित किया, वो रामायण है। और ऐसी रामायण को इतने सुंदर तरीके से चित्रित करते हुए तीन भाषाओं में हमारे सामने लाने का जो कार्य यहां पर हो रहा है, मैं ये मानता हूं कि इससे हमारी आने वाली पीढ़ियां न केवल प्रेरणा पाएगी बल्कि उन्हीं उच्च मूल्यों की ओर वे आकृष्ट भी होंगे। और इसलिए एक बहुत सुंदर इस प्रकार की ये भेंट